अभी टाइम हो रहा है 7:41 और आप ये देखिए। मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के टाइम लैप्स शूट करूंगा। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, कल मौसम खुला था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा आज सुबह जल्दी उठ के मैं वीडियो शूट करूंगा और टाइम लैप्स शूट करूंगा, और मैं इसी चक्कर में जिम नहीं गया। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही कोहरा हो रहा है, अब मेरे को टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। ये है LG G+ Think, ये मेरा नया स्मार्टफोन है। मैं अपने आगे के सारे व्लॉग इसी से शूट करूंगा, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ये कुरियर वाले बगल में ऊपर भैया, अरे वो कुरियर आ रहा था फ्लिपकार्ट से। क्या ऑन है प्रकाश भाई? ये सेफ रहता है क्या यार फोन ऑन मंगाना ऑनलाइन? सेव निकाल लेना हमें। बाल बार नहीं कहते हैं, बार बार कहते हैं बच्चे। बार-बार? बार-बार क्या होता है? बार-बार। मैं देखता हूँ, अरे देख के बताओ ना बच्चे। अरे बता दो प्लीज। प्लीज अच्छा दिखाऊंगा ना, पसीना तो नहीं आ रहा मुझे? आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब चुप रहे ना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैंने ये बॉक्स फ्लिपकार्ट से मंगाया है, इसमें मैंने एक स्मार्टफोन मंगाया है। मैं आगे की सभी वीडियो इसी स्मार्टफोन से अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। इसे मैंने कैश ऑन डिलीवरी से मंगा रखा है। चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है बिल, फिर ये मिलता है हमें बबल रैप। बचपन में इसे बहुत खोलते थे हम, इसको भी साइड में रखते हैं। मैंने ये स्मार्टफोन इसलिए भी मंगा रखा है क्योंकि इसमें वाइड एंगल लेंस है, तो ये व्लॉगिंग के लिए मेरे लिए सही था। 128 GB में है ये, इससे आप अपनी नाक साफ़ कर सकते हैं, ये आपकी नाक साफ़ करने के भी काम आ सकता है। फ़ोन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। LG की ब्रांडिंग में आपको एक ये फास्ट चार्जर है। अब देखेंगे आगे, मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि कितनी जल्दी से आपके फ़ोन को चार्ज करता है। डाटा केबल कितनी लंबी है एक बार देख लेते हैं खोल के। 1 मीटर लेंथ होगी इसकी। इसमें आपको हेडफोन भी मिलता है, हेडफोन जैक है। वैसे जो इस टाइम पे महंगे फ़ोन जितने भी हैं उनमें हेडफोन निकाल दिया है, ये आपको 2 ईयरबड्स मिल जाते हैं, ठीक क्वालिटी का हेडफोन। इसको भी आगे चेक करेंगे कि किस टाइप से। अब इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे कि आपको पता होगा ये LG का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इससे पहले इन्हें LG V30 Plus करके लॉन्च किया था, उसकी इंडिया में प्राइस 45,000 थी, लेकिन LG ने अपनी मार्केटिंग के चक्कर में इस बार अपनी प्राइस कम रखी है, तो ये मेरे को 40,000 में पड़ा। और इस प्राइस रेंज में फ़ोन बहुत बढ़िया है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 मिल जाएगा, इससे आपको फ़ोन की स्पीड बहुत बढ़िया मिलेगी। इसमें कंपनी ने आपको 6 GB रैम दी है, तो इस वजह से आपको इसमें लैगिंग का कोई इश्यू नहीं होगा, और 6 GB रैम होने की वजह से इसमें गेम वेम भी बहुत बढ़िया चलेंगे। और सबसे मेन बात जो फ्लैगशिप फ़ोन में होती है, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बॉक्स के साथ ही फास्ट चार्जर भी मिल जाए, और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कौन इतना पैसा डाल के वायरलेस चार्जर खरीदे। और ये पूरा वायरलेस चार्जर तो होता नहीं है, आपको चार्जर के ऊपर फ़ोन को रखना पड़ता है और वो चार्ज कर लेता है, तो इससे अच्छा मेरे लिए फास्ट चार्जिंग बेस्ट है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास है इसमें, मतलब आपके फ़ोन में छोटे मोटे स्क्रैच से तो ये आपको बचाए रखेगा। इसके बैक में आपको ड्यूल कैमरा मिल जाएंगे, दोनों 16 MP के हैं। ऊपर का अपर्चर है f1.6 और जो सेकेंडरी कैमरा है उसका अपर्चर f1.9 मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये वाइड एंगल लेंस है, तो व्लॉगिंग के लिए आपको बहुत बढ़िया हो जाता है। वाइड एंगल लेंस में आपको पिक्चर जो आपको इतना दिखेगा तो वाइड एंगल लेंस में और पीछे शूट होगा। मैं भी आपको इसका सैंपल दिखाऊंगा कि वाइड एंगल लेंस कैसे काम करता है। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 MP का, और जिसका अपर्चर भी 1.9 है। फ्रंट के कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन वाइड एंगल लेंस नहीं है, और
आपको इस फ़ोन में बहुत बढ़िया इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। फ्रंट में भी है वो और रियर कैमरे में, मतलब तीनों कैमरों में आपको अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ये इसका प्राइमरी लेंस है जिससे मैंने वीडियो शूट कर रखा है, मतलब मैं उसी पोजीशन में बैठा हूँ और इसका आप वाइड एंगल लेंस देख सकते हैं। रही बात इसके फ्रंट कैमरे की, तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, तो इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत बढ़िया है। वाइड एंगल लेंस तो नहीं है, देख सकते हैं आप। ये वीडियो मेरा शूट हो रहा है रियलमी 1 से और ये वीडियो शूट हो रहा है LG G7 Plus ThinQ के फ्रंट कैमरा से। ये फ़ोन ड्यूअल सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सेकेंडरी सिम की जगह पे या माइक्रो SD कार्ड या सेकेंडरी सिम यूज कर सकते हैं। और ये इस फ़ोन का प्लस वेरिएंट है, तो इसमें आपको स्टोरेज 128 GB की मिलती है। मैंने इस फ़ोन के साथ 128 GB का SanDisk का एक मेमोरी कार्ड भी ऑर्डर कर लिया था, तो अब मेरे मोबाइल की स्टोरेज लगभग 250 GB समथिंग हो गई है, जो कि ब्लॉगिंग के लिए मेरे को फ़ायदा देगी कि मेरे पास बहुत सारी फुटेज जाएंगी रिकॉर्ड करते करते। तो इस वजह से मैंने एक 128 GB का मेमोरी कार्ड ऑर्डर कर लिया था। लुक वाइज तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया है, और आप इसमें नॉच डिज़ाइन तो है, लेकिन आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपनी नॉच को हाइड किया हुआ है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर नॉच है। लेकिन इसका बैक जो है वो ग्लास होने की वजह से इसमें फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी दे देता है, तभी इसमें वो रुमाल दिया जिससे आप नाक साफ कर सकते हैं। इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि वैसे तो कम है फ्लेक्सी लेवल के फ़ोन के लिए, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप इसका ठीक होगा। आगे देखेंगे कितना बैटरी बैकअप देता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो कि बहुत फास्ट है, और आप फेस अनलॉक से भी फ़ोन को खोल सकते हैं, लेकिन फेस अनलॉक मेरे को उतना फास्ट नहीं लगा। जैसे मैं ये देखता हूँ, ये इसने अब खोला, ये देखा ये अब खोला, तो फेस अनलॉक थोड़ा सा इसका स्लो लगा मुझे। आजकल फ्लेक्सी फ़ोन में हेडफोन जैक निकाल देते हैं, लेकिन इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। और इसकी साउंड क्वालिटी तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी, लेकिन जब आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आपको पूरा फ़ोन वाइब्रेट करता है। और अगर आप इसको किसी बेंच में रख देंगे तो या टेबल में रख देंगे, साउंड और ज़्यादा फैल जाता है। मतलब आप किसी बॉक्स के ऊपर रख देंगे तो वो स्पीकर की तरह काम करेगा। इसका साउंड है, मतलब फ़ोन इसका साउंड वाइब्रेट करके निकलता है। ये इसका नॉर्मल साउंड है, तो साउंड के मामले में तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा फ़ोन, कि आप इसे किसी बेंच में रख दीजिए और ये बेंच आपको एज ए स्पीकर आपको बेंच से साउंड देगा, और तो और आप बेंच में हाथ रखेंगे तो वो भी वाइब्रेट करेगा। तो साउंड इसका बहुत बढ़िया है। और इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले। अगर आप आउटडोर लोकेशन में हैं तो आप सुपर ब्राइट डिस्प्ले को इनेबल कर दीजिए, और स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आउटडोर में अगर आपको स्क्रीन देखने में दिक्कत होती है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन में IP68 की रेटिंग है, तो आप फ़ोन को पानी में भिगाएंगे तब भी ख़राब नहीं होगा। मोबाइल को बाल्टी में डालने के बाद अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है ये मेरे को एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। तो ये सब हैं इस फ़ोन के फीचर। मैंने ये फ़ोन बेसिकली कैमरे के पर्पज़ से यूज किया है, मैंने अभी तक इसमें कोई सिम भी नहीं डाल रखी है, और मैंने व्लॉगिंग के लिए ये मोबाइल लिया है। मतलब मुझे मेन इसका कैमरा पसंद आया था, इसमें स्टेबलाइजेशन है, वाइड एंगल लेंस है, तो इस वजह से मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैंने 40K का फ़ोन लेने से अच्छा 40K में मुझे कैनन 200D का DSLR मिल रहा था, मैंने वो क्यों नहीं लिया। DSLR में मैं अभी ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा था, और प्रॉब्लम ये थी कि DSLR में मुझे स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, और इसमें वाइड एंगल लेंस मिल जाता है आपको। उसमें वाइड एंगल लेंस, अगर आप अलग से वाइड एंगल लेंस लेना चाहेंगे तो वो 20K का आपको वाइड एंगल लेंस पड़ेगा, उसमें आपको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, लेकिन जितना इसमें बढ़िया स्टेबलाइजेशन वो नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़, अगर आप DSLR का गिम्बल लेते हैं तो वो आपको 40-50K का पड़ता है। स्मार्टफोन का गिम्बल आपको 10K में मिल जाएगा, और इसके साथ ही इसमें 128 GB की स्टोरेज है, जिसमें 100-110 GB हमें मिल जाता है यूज करने के लिए। DSLR के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज लेनी पड़ती है। इसमें मैंने अभी मेरा 250 स्टोरेज का समथिंग हो गया है इसमें, क्योंकि मैंने एक माइक्रो SD कार्ड डाल दिया जो मेरे को 2-3 हज़ार का पड़ा था। वहीं अगर मैं DSLR के लिए जाता तो मेरे को 6000 रुपये डाल के इतना स्टोरेज देना पड़ता, तो कुल मिला के 1,00,000 में DSLR पड़ता, और ये मुझे 40K का पड़ा है। साथ में अगर मैं गिम्बल लूँ तो फिर भी मैं 50K में एक अच्छा वीडियो शूट कर सकता हूँ। बस ये बात अलग है कि DSLR में अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको और अच्छा, मतलब सीधी सी बात है, स्मार्टफोन से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी DSLR में। LG ही क्यों लिया, LG लेने का मेन उद्देश्य ये था, इसके कंपटीशन में आपको फिर सैमसंग या आईफोन के फ्लैक्सी फ़ोन, वो तो ऊपर की रेंज में है, S9 प्लस लेने में तो 60 से ऊपर ही जाएगा। और रही बात इसके कंपटीटर की, तो इसका कंपटीटर है वन प्लस का 128 GB का वन प्लस 6 लेंगे तो वो आपको 40K का पड़ेगा, ये भी 40K का। बेशक वन प्लस का कैमरा इससे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसमें मेरे को मेन चीज़ क्या लगी कि आप उसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं, और दूसरी बात आपको उसमें IP68 की रेटिंग नहीं मिलेगी। इस फ़ोन में मैं बताना भूल गया, इस फ़ोन में आपको सबसे मेन चीज़ IP68 की रेटिंग है।
मतलब आज आप इस फोन को 1.5 मीटर तक की गहराई में 30 मिनट तक पानी के अंदर डुबो के रख सकते हैं, इस फोन को कुछ नहीं होगा। OnePlus 6 स्प्लैश प्रूफ है, कंपनी उसको स्प्लैश प्रूफ बोलती है, लेकिन वो उसके IP68 की रेटिंग नहीं देती है, तो आपको बारिश से वो बचा सकती है, लेकिन अगर वो कुछ दिक्कत हो जाती है तो कंपनी उसको, आप कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने OnePlus ना लेके LG G7 लिया। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपने आगे के सारे वीडियोस अब इसी फोन से शूट करूंगा, तो आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेंगे। मैंने अभी माइक भी मंगा रखा है, शायद आपको साउंड की प्रॉब्लम हुई होगी इस व्लॉग में, तो आगे के मैं सारे वीडियोस में जब मेरा माइक आ जाएगा तो मैं माइक के साथ वीडियो शूट करूंगा। तो आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना जरूर भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए। अभी मैंने ऑफिस भी जाना है, 8:26 है, और मैं चाह रहा हूँ कि शाम को आने के बाद मैं ये वीडियो आज ही अपलोड करूँ, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो सुबह जल्दी उठ के शूट किया। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ऐसे ही हर हफ्ते एक वीडियो जरूर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। रही बात मेरी आंखों की, तो सुबह सुबह मेरी आंखें कुछ टाइम तक लाइट में आंखें छोटी हो जाती हैं।